All of you, this is Narendra Kumar. Today I proceed with my last session which I had left, and okay, so let's start. सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंने जो lines लिखे थे अपने coding में, अपने programming में, first day, that was very important if you really want to understand C programming. Okay. पहला लाइन जो मैंने लिखा था हैज इंक्लूड एन एंगुलर ब्रैकेट एंड फिर उसके अंदर लिखा था stdio.h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज किया था. एक्चुअली जो हैज इंक्लूड है ना वो एक आप समझिए एक वर्ड है. इस वर्ड को आपको लिखना मैंडेटरी होता है एंड उसे हम लोग एक नाम से जानते हैं, दैट इज called pre-processor directive. Has include is called pre-processor directive. Why? पहले समझते हैं pre-processor का मतलब क्या होता है. pre means पहले. अब processor computer के अंदर process होता है और computer का जो processor होता है वही आपके program को process करता है. तो उस word has include को pre-processor इसलिए कहते हैं कि वहाँ हम लोग computer को ये instruction देते हैं C programming के through कि इससे पहले की कुछ प्रोसेस हो, इससे पहले की कोई प्रोसेस हो, इससे पहले की प्रोसेसर प्रोसेस करे, प्री प्रोसेसर हैज इंक्लूड लिखने के बाद हम ब्रैकेट में जब लिखते हैं stdio.h का मतलब यह हुआ कि इससे पहले की प्रोसेसर प्रोसेस करे stdio.h जो फाइल है, एक्चुअली stdio.h जो है वो एक फाइल है, वो आपके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाना चाहिए. ये इसका मतलब हुआ. अगेन आई एम टेलिंग व्हाट डज इट मीन. हैज इंक्लूड इज ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड व्हाट डज इट मीन. इट सेज दैट व्हाट एवर द फॉलोइंग फाइल नेम इज गिवन stdio.h शुड बी इंक्लूडेड इन योर सी प्रोग्राम फाइल एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन फैक्ट इंपॉर्टेंट और यू कैन से इट्स मैंडेटरी समटाइम बिकॉज अगर आप वो नहीं लिखते हैं तो stdio.h जो एक फाइल है जो आपके प्रोग्राम के थ्रू इनफैक्ट आपके प्रोग्राम में वो अटैच हो रहा है जिसके थ्रू कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस करेगा. तो इससे पहले कि कंप्यूटर कुछ प्रोसेस करे, बाकी काम करे, हम लोग कहते हैं हैस इंक्लूड को, जिसे आप प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं, कि भाई इसके ठीक बगल में stdio.h जो फाइल है उसको इंक्लूड कर लिया जाए इस प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में वो ऐड हो जाता है. नेक्स्ट लाइन फिर आप जब लिखे हैज इंक्लूड conio.h, इफ यू रिमेंबर तो हैज इंक्लूड अगेन रिपीटेड मींस अगेन ए प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव एंड उसके बगल में दूसरा फाइल का नाम हम लोगों ने दिया conio.h, दैट इज ऑल्सो फाइल conio.h. इसका जो फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट. ओके, सो conio मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट, डॉट एच दोनों में कॉमन है, डॉट एच मीन्स हेडर फाइल. तो फाइनली ये दो जो लाइन थे स्टार्टिंग में हैज इंक्लूड stdio.h और हैज इंक्लूड conio.h दोनों में कॉमन है डॉट एच. इस दोनों फाइल्स को हम लोग हेडर फाइल कहते हैं क्योंकि प्रोग्राम के हेडिंग में से अटैच किया जाता है, इसे इंक्लूड किया जाता है ताकि प्रोग्राम के बाकी हिस्से में जो आप अभी लिखने वाले हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, वो इंस्ट्रक्शन इन हेडर फाइल के अंदर में डिफाइंड होता है. समझिएगा कि आप ये जो हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं थ्रू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हैज इंक्लूड के थ्रू, तो जो भी दो फाइल आपने अभी तक समझा है stdio.h एंड conio.h, ये दोनों फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है. stdio.h का फुल फॉर्म भी मैं बता दूं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी आप अपने प्रोग्राम के थ्रू कंप्यूटर से जो आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का काम करवाएंगे वो काम कुछ कमांड के बेसिस पे होगा. आप लेमैन की भाषा में कहें तो कुछ कमांड, यानी कुछ हम लोग ऐसा इंस्ट्रक्शन लिखेंगे जिसको कंप्यूटर तभी समझेगा जब वो हेडर फाइल stdio.h इंक्लूड होगा, क्योंकि उस फाइल के अंदर बाकी जो कमांड हम लिखेंगे उसका मीनिंग लिखा होता है. एक लेमैन की भाषा में ऐसे समझिए. सेम थिंग इज एप्लीकेबल विथ conio.h ऑल्सो. नाउ फिर तीसरा लाइन हम लोगों ने लिखा था void main. अभी आप void एक वर्ड है, इट्स अ कीवर्ड, इसे आप रहने दीजिए.
उसके बाद स्पेस देके अपने मेन लिखा था। मेन में एक ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट था, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, मेन। जब भी किसी भी वर्ड के बाद इफ अ कीवर्ड और वर्ड इज फॉलोड बाय अ ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन। उसे एक फंक्शन बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो मेन इज अ फंक्शन। एक्चुअली व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम इन सी, व्हाटएवर यू आर राइटिंग दैट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर कीपिंग ऑल योर इंस्ट्रक्शंस विद इन अ फंक्शन कॉल्ड मेन फंक्शन। यानी मेन एक नाम से ही आपको लग रहा है, मेन मीन्स इट्स, जैसे हिंदी में आप मुख्य कहते हैं, तो मेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। दैट इज अ मेन फंक्शन विच यू हैव क्रिएटेड थ्रू योर प्रोग्राम। आपने लिखा था लास्ट डे के प्रोग्राम में void main, फंक्शन का सिंबल मैंने बताया, ब्रैकेट से फंक्शन का सिंबल होता है ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट। फिर नीचे आपने करली ब्रैकेट दिया था और फिर करली ब्रैकेट को क्लोज किया था, इफ यू रिमेंबर। तो मेन फंक्शन जो है उसके अंदर ही आप एग्जैक्टली वो सारा लाइन लिखेंगे जिसे कंप्यूटर परफॉर्म करेगा। सो दोज टास्क विच यू वॉन्ट कंप्यूटर शुड एग्जीक्यूट, जिसे कंप्यूटर करे, वो काम हमेशा मेन फंक्शन के अंदर लिखा जाता है। ये आप बिल्कुल नोट करके रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज कीप इट इन योर माइंड इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न सी प्रोग्रामिंग। अब मेन फंक्शन के अंदर आपने फिर क्या किया था, सो उसमें आपने कुछ लाइन लिखे थे। एक लाइन लिखा था printf हेलो इंडिया, और फिर आपने गेट सी एच एक फंक्शन यूज किया था। तो पॉइंट ये है, आपको ये समझना है इस सेशन में कि मेन फंक्शन आपके हर प्रोग्राम में कॉमन होगा, इट हैज टू बी देयर। और मेन फंक्शन अगर नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं कंप्यूटर के द्वारा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से टुडे। आई एम कनेक्टिंग यू विथ योर प्रीवियस प्रोग्राम, आई एम टुडे डिफाइनिंग यू इच लाइन्स विच यू हैड रिटन इन लास्ट डे, ओके, सेशन वन जो हमने किया था, उसके इंस्ट्रक्शन जो भी अपने प्रोग्राम में लिखे थे उसको मैं आज समझाया, आप समझ गए होंगे आई होप। फाइनली अगेन आई एम क्लोजिंग इट बाय टेलिंग दिस कि आपके सी प्रोग्राम में जो भी आप इंस्ट्रक्शन लिखते हैं मेन फंक्शन के अंदर, उसका एक ब्लॉक होता है void main के जस्ट नीचे आप एक ओपनिंग करली ब्रैकेट देते हैं, क्लोजिंग करली ब्रैकेट लिखते हैं, और उस दोनों ब्रैकेट के बीच में, इन बिटवीन दैट ब्रैकेट्स, यू राइट ऑल द स्टेटमेंट विच यू वॉन्ट कंप्यूटर शुड एग्जीक्यूट। तो आपने दो लाइन लिखे थे, printf हेलो इंडिया और गेट सी एच, फिर गेट सी एच इटसेल्फ ए फंक्शन। अब मैं बताऊं कि printf क्या करता है। printf के ब्रैकेट में आप जो भी मैसेज देते हैं वो मैसेज वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो प्रिंट कर देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ printf। printf का भी आप यूज जान के रखिए। एंड गेट सी एच जो है वो किस लिए है, फॉर टाइमिंग, आप इतना जान के रखिए कि आपका जो भी आउटपुट आएगा, जैसे printf से जो मैसेज आया स्क्रीन पे, उस स्क्रीन को होल्ड करके रखना है, यू हैव टू होल्ड दैट स्क्रीन। सो फॉर होल्डिंग द स्क्रीन अंटिल यू प्रेस एनी की, वो तब तक होल्ड रहेगा, मतलब आपका स्क्रीन पे हेलो इंडिया, लास्ट प्रोग्राम के आधार पे मैं बता रहा हूँ, हेलो इंडिया एक मैसेज आया, उसके बाद स्क्रीन रुका रहेगा वो मैसेज को दिखा के, अंटिल यू प्रेस एनी की, जब तक आप कोई की प्रेस नहीं करेंगे वो मैसेज होल्ड करके आपको, कहने का मतलब है दिखता रहेगा स्क्रीन पे, फिर आप जैसे कोई की प्रेस करेंगे वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो दैट इज द यू नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट डे प्रोग्राम विच वी हैड डन। नाउ टुडे व्हाट आई एम आस्किंग यू, काइंडली डू ए टास्क इफ यू रियली वॉन्ट टू अंडरस्टैंड सी प्रोग्रामिंग। अब आप एक टास्क लीजिए और उस टास्क को परफॉर्म कीजिए फॉर योर बेटरमेंट, इट्स नॉट, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड प्लीज डू इट, राइट ए प्रोग्राम। आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, जब भी आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग जब समझ जाते हैं तो आप पिछले प्रोग्राम को रेफर करते हुए एक नया प्रोग्राम जरूर लिखिए, और क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो तब आपको यू विल फाइंड यू नो एक्साइटमेंट राइटिंग प्रोग्राम। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि राइट ए प्रोग्राम ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम, योर फादर्स नेम, योर एड्रेस, थ्री थिंग्स यू ट्राई टू प्रिंट ऑन द मोनिटर ऑफ द कंप्यूटर, ऑन द इनफैक्ट स्क्रीन ऑफ द मोनिटर ऑफ द कंप्यूटर।
और इसके लिए आपको क्या करना होगा, सी प्रोग्रामिंग के थ्रू, ट्राई इट आउट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।